वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से लेवल थे जिनके ऊपर हमने ट्रेड करके आज पैसे बनाए और वो कौन सा सेटअप हो सकता है जिसके ऊपर मार्केट कल डांस कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर भूलेगा। उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज दिन बहुत अच्छा रहा, आपको लेवल्स दिए थे मार्केट ने, आपको मैंने एक लेवल दिया था कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर काम कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारे लेवल पे खुली एग्जैक्टली अगर आप ये देखेंगे 9:15 की कैंडल थी गाइस। ये लेवल्स आपके साथ मेरे को मॉर्निंग के अंदर आपके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ और लेवल जो है वो एकदम बॉस गॉड लेवल बोलते हैं ना, गॉड लेवल के लेवल्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कई लेवल, कई लोग तो सिर्फ लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके ही पैसा बनाते हैं। मार्केट खुली, सपोर्ट लिया तो ऊपर गई, दोबारा सपोर्ट लिया और डेफिनेटली एक अच्छा इसने स्विंग मारा। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, वापस गई दूसरे जोन की तरफ गई। हमारा जो मेन बाय था वो इसके ऊपर था कि एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था, पहले से एडवांस में दिए हुए थे लेवल। मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ भैया इसको रिटेस्ट किया, तोड़ने की कोशिश की, दोबारा तोड़ी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट झरझरा के नीचे की तरफ गिर गई। हमने एक अच्छा खासा स्विंग कैप्चर किया। मार्केट जितनी ऊपर गई मैंने यहाँ पर आपको सेल की पोजीशन में बनाई थी। मैं यहाँ पर लाइव आया था, 17,150 की पुट मैंने 204 रुपए पे बाई करवाई थी आपको लाइव के ऊपर, आप वीडियो देख भी सकते हैं। और उसने 328 का हाई मारा, हमने काफ़ी अच्छे इस स्विंग को कैप्चर किया। 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव, 120 पॉइंट से ज़्यादा का मूव कैप्चर किया। अगर आपने पैसे बनाए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने पैसे बनाए ताकि लोगों को भी पता लगे कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की गाइज, इससे ज़्यादा पिन पॉइंट के लेवल क्या हो सकते हैं मुझे ये बताओ, ठीक है। और ये एडवांस के लेवल है, पिन पॉइंट मार्केट ने एक सपोर्ट लिया लेवल से और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट रेजिस्टेंस पॉइंट से, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, आज का दिन सॉरी ये था। तो यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से मार्केट खुली, हमारी इस जोन से ऊपर खुली, तोड़ नहीं पाई इसको, नीचे की तरफ आई और मार्केट झर झरा के गिरी है। यहाँ पर थोड़ा सा साइड वेजने की कोशिश की और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये एक तरीके से आपको फ्लैग टाइप की फॉर्मेशन भी दिखेगी। ये इसने यहाँ पर डब्ल्यू बनाने की कोशिश की थी लेकिन इसने फ्लैग का ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया। इसका टारगेट नीचे का आता है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज मच वीकर देन निफ्टी। निफ्टी के अंदर फिर भी पावर थी लेकिन हाँ, दोनों के अंदर गिरने के चांसेस अभी भी बनते हैं। अब क्या सिनारियो बनता है, सिनारियो बनता है इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चलो इनको डिलीट करता हूँ ये लेवल्स को और डेली की चार्ट पे देखते हैं क्या पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं गाइस, एक बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल जो बनाई थी इसने, इसके बाद में आज की जो कैंडल बनी है दिस पर्टिकुलर अ स्मॉल इनसाइड कैंडल, इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, इट्स अ बेरिश इनसाइड कैंडल और इसको हम बेरिश हरामी भी बोलते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज बेसिकली अ रिवर्सल पैटर्न और जैसे ही इस पैटर्न के नीचे का लो टूटता है मार्केट आपको एक अच्छा जोन नीचे की तरफ दे सकते हैं। तो मार्केट में ये हाई और लो मार्क करके रखेगा, इसके ऊपर और इसके नीचे, ये जो कैंडल बनी है ना ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर और नीचे की तरफ आपको 150 गारंटीड पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिलेंगे। आंख बंद करके बाई करके बैठ जाएगा चाहे मार्केट कुछ भी करे, 150 पॉइंट इस कैंडल के नीचे और 150 पॉइंट इस कैंडल के ऊपर आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी को भी डिलीट करते हैं लेवल्स को, दोबारा से बनाएंगे। यहाँ पर एक बेरिश आरामी तो नहीं है लेकिन एक नेगेटिव कैंडल है, सारी तेजी को खा के गई है। दिस इज द पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, 50% से ज्यादा का जो तेजी है अगर वापस खा ली जाती है तो इट्स अ बेरिश पियर्सिंग पैटर्न और ये भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसकी भी रेंज यही है, मार्केट अगर ये तोड़ती है तो यहाँ पर आपको 40 to 60 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। स्पीकिंग ऑफ 40 to 60 पॉइंट गाइस, आपको पता है कि मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके देता हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसोलिडेशन क्लोजिंग। उसका सीक्रेट भी आज मैंने अपने लाइव के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपने लाइव नहीं देखा तो गाइस जाके देख सकते हो कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ 920 का मूव जो हम गेस करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स प्रोडिक्शन तो नहीं है, नथिंग इज 100%, इट्स 80% और अच्छा खासा काम करता है। कल का प्रोडिक्शन क्या बोलता है, 9:20 पर आपको कौन सी बाय करनी है, पुट साइड, ठीक है, पुट साइड बाइंग करनी है। आपको निफ्टी जो है वो 40 to 60 पॉइंट का मूव दे सकता है और बैंक निफ्टी आपको 50 to 80 पॉइंट का मूव दे सकता है पुट साइड पर, कब, 9:20 पर। ये सिचुएशन तभी वैलिड है जब मार्केट एक गैप अप या फ्लैट
ओपनिंग देता है। अगर ये गैप डाउन होता है तो ये वैलिड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। छोटे टाइम पे टाइम फ्रेम पे चल के देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने क्या पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या। वन आवर के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से तेजी बनाई, अगर यहाँ से फिबोनाची लगा लूँ एक बार देखने की कोशिश करूँ तो ठाकुर तो गए हो भाई, ठाकुर गए हो, जैसे ब्लडी फोर आवर थ्री आवर्स फोर आवर्स लग तो रहा मुझे। जितने मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट है, और गाइस अगर आपने फिबो का कोर्स नहीं किया तो क्या ही किया है यार, 500 रुपए का कोर्स है, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग कोर्स मैं बोलता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके हिसाब से भाई मार्केट ने तो बेरिश, अब देखो ये मार्केट यहाँ पर देखो गैप अप दिखा रही है, क्या दिखा रही है, गैप अप दिखा रही है। यहाँ पर देखोगे तो 60 पॉइंट है, लेकिन मुझे गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेटा भी नहीं देखा है मैंने, कुछ नहीं देखा कि मेरे को लगता है मार्केट को गिरना चाहिए, क्योंकि इसने एंट्री दे दी है। इसमें जो ट्रेड बनती है गाइस वो क्या बनती है, इसके अंदर अभी क्या टारगेट निकल के आ रहा है, कितना और गिरना चाहिए। मार्केट शुड एंड मस्ट फॉल टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, मुझे तो यहाँ तक मार्केट दिखाई दे रही है कि मार्केट को यहाँ तक गिरना चाहिए एटलीस्ट। इसकी जो ट्रेड बनती है वो क्या बनती है, शॉर्ट की पोजिशन ऑलरेडी बन चुकी है, इस ग्रीन कलर की कैंडल का हाई इसका स्टॉप लॉस है, और मार्केट 16,490 तक आपको गिरती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। इसके नीचे का भी एक एक्सटेंडेड टारगेट है, 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है इसका, और ये बेसिकली 2 आवर्स के ऊपर है मेरे ख्याल से, हाँ 2 आवर्स के ऊपर, 2 या 3 आवर्स के ऊपर है तो देख लीजिएगा, बट 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी कन्फर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, एक अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो इस लाइन के नीचे आप डेफिनेटली अपनी एक सेल साइड की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपने मिस आउट किया तो 16,755 के नीचे। मैं इसके नीचे क्यों बोल रहा हूँ कि कई बार ये रिवर्सल, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ये फ्लैग पैटर्न का भी फॉर्मेशन था, लेकिन यहाँ पर अगर ये वापस आके इसी बेस लाइन के ऊपर बेस बना के जाता है तो उसके ऊपर हमें इस लाइन के ऊपर ही बाय करना है। ये क्या आ रहा है, 17,200, मोटा मोटा लेवल देख लो कि आपको कौन से लेवल के ऊपर बाय और कौन से लेवल के ऊपर सेल करना है कल के लिए। अगर निफ्टी आपको 17,200 के ऊपर निकलती दिखाई देती है, आप बोलते हो बहुत दूर है 17,200, यस सर, इसके ऊपर आपको निफ्टी अपने लेवल कर, कौन सा लेवल है, 17,850, ये लेवल दिखाई देगी, एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ हम जा सकते हैं, अच्छी ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड बन के आ रहा है। लेकिन अगर 16,755 का लेवल तोड़ती है, अगर आपको 16,755 का लेवल तोड़ती है, 16,750 मान के चलो, 650 का अगर लेवल तोड़, 750 का लेवल अगर ये तोड़ देती है तो हमें नीचे की तरफ टारगेट आते दिखाई देंगे 16,500 के, ठीक है। ये एक ट्रेड नीचे की तरफ की बनता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो हमें देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहीं से ये बेस बना के ऊपर उठता है तो गाइज ये पैटर्न हो जाएगा, ये बेसिकली अगर देखेंगे तो एक फिर ऐसे करेगा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मार्केट क्या कौन से रंग दिखाएगा वो तो लेवल्स के ऊपर ही कन्फर्म होगा, लेकिन हमें क्या इंट्राडे के अंदर पैसा बनाओ, स्विंग ट्रेडिंग कल के लिए पोजिशन मत बनाओ और उसके हिसाब से इसको ट्रेड करो। बैंक निफ्टी की अगर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँ सेम वे के ऊपर, तो यहाँ से अगर हाई पे यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट सही जगह से रिजेक्शन लेके नहीं गया, विच ब्रिंग्स दिस डाउट अपसाइड के पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अगर मैं इसे यहाँ से लेता हूँ इस पर्टिकुलर रेड कलर से तो थोड़ा सा बनता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती फोर्स करना हो जाएगा डाउन, तो यही है स्विंग, तो उसके हिसाब से तो मार्केट को दोबारा से ऊपर आना चाहिए और तरीके से। और असली तेजी आपको एक नंबर के ऊपर मिलेगी, अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन बनानी है तो 39,025 का लेवल, 25.95 तो 30 मान के चलो, 39,030 का लेवल है ये वाला 38%, इसके ऊपर आप एक बहुत तेजी आते हुए दिखाई देगी आपको 39,530, 200 पॉइंट की तेजी बहुत तेजी से होगी, इसको मिस आउट मत करना, 39,030 के ऊपर 39,530, तो यार 200 पॉइंट की तेजी कहाँ हो गई, ये तो 500 पॉइंट की हो गई ना, तो
500 पॉइंट के सिंक के लिए आराम से तैयार रहेगा। बड़ी कॉल मैंने आपको दी है और उसके अंदर ये इसका डब्ल्यू का भी एंट्री आ जाएगा, ठीक है, और मार्केट इस लेवल की तरफ जाएगी। हालांकि मैं आपको कम टारगेट दे रहा हूँ, उस केस में ये जो सिनारियो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, तो उसको भी हमें नज़र में रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो ये हो गया इसका बड़ा वाला एनालिसिस, इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर बंद, और एक बार ईएमए लगा के देखना चाहता हूँ मैं क्या चल रहा है ईएमए सेटअप, और यहाँ पर हम बंद कर 20 ईएमए ने, 50 ईएमए ने 100 ईएमए को तोड़ दिया है आज। ओके ओके 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। 50 ईएमए को तोड़ दिया है, 20 ईएमए का क्रॉसओवर विच इज़ बेरिश क्रॉसओवर, ओके 1 आवर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100 ईएमए ने 200 ईएमए को तोड़ दिया गाइस, ये क्या है, ये क्या है गाइस, दिस इज सुपर बेरिश सेटअप। सुपर बेरिश सेटअप कब होता है ये देखो 1 आवर के चार्ट पे, जब 20, 50, 100 और 200 एक लाइन में आ जाती है, ये सुपर बेरिश हो जाता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इट इज सुपर बेरिश। सुपर बुलिश कब होता है, जब सबसे नीचे 200 हो, उसके ऊपर 100 हो, उसके बाद 50 हो, उसके ऊपर 20 हो, ये सेटअप अगर बनता है सुपर बेरिश बुलिश हो जाता है। यहाँ पर उल्टा हो गया, सीक्वेंस में आ गया। अब जब तक ये बुलिश सेटअप कब तक नहीं बनेगा, जब तक ये 20, 50 को तोड़ के ऊपर ना जाए, 100 को तोड़ के ऊपर ना जाए और 100, 200 को तोड़ के ऊपर ना जाए, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर एज द सेटअप। मैंने आप लोगों को एक WD गैन का स्विंग ट्रिक कैप्चर करने वाला सेटअप भी दिया था, यूट्यूब मेंबर्स को बिल्कुल फ्री दिया, उन्होंने देखा होगा। आज उसने निफ्टी के अंदर कम से कम 155 पॉइंट दिए हैं और बैंक निफ्टी के अंदर मोर देन 250 पॉइंट दिए हैं। अगर आपने सही से ट्रेड किया होगा तो उसने एक आपका स्टॉप लॉस खाया, ठीक है, जो कि था करीब करीब 35 पॉइंट्स का, 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस खा के उसने आपको 250 पॉइंट दिए बैंक निफ्टी के अंदर, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा के 155 पॉइंट दिए निफ्टी के अंदर। तो दैट सेटअप वर्किंग वेरी रियली वेल ऑन 15 मिनट शॉर्ट। और आपने वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब की, जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिया है वो ले सकते हैं, ज्वाइन बटन प्रेस करके वहाँ से ले सकते हैं, और ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी 50 का भी सेम हाल है भाई, 200, 150 बेरिश बेरिश, निफ्टी लुक्स मोर वीकर देन बैंक निफ्टी। यहाँ पर सेटअप देखो बुलिश है, डेली पे अगर आप देखोगे तो 250, 200, 150, 220 एक क्रॉसओवर होने वाले हैं, हुए नहीं है, लेकिन हिसाब किताब तो वही है, ठीक है, हिसाब किताब तो वही है। चलो ठीक है, ओके, तो करते हैं बंद और अपना सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, इस पर आ जाते हैं 15 मिनट के इसी लेवल्स, तो बेसिकली यही काम करेंगे और लेवल्स हमें यही यूज़ करने हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट, ये जो आज लाइन लगाई है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मार्केट बंद हुई है, तो ये लेवल अच्छा काम करेगा, इसको हम मार्क करेंगे। प्राइस लेवल लगा लिया, कल कैसे ट्रेड करना है, 920 की ट्रेड मैं बता चुका हूँ आपको, पुट साइड पर मिलेगी कल, तो 9:20 पर तैयार रहना उसके लिए। बाकी ट्रेड क्या बनती है, अगर आपको कल 37,821 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, हालांकि मुझे तो लगता है एक साइडवेज या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, डेटा अभी आया नहीं है, बाकी देखेंगे भाई क्या होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये ना तोड़े बाय नहीं करना, जब तक ये ना तोड़े सेल नहीं करना, और यहाँ पर भी ओपन होती है ना तो इसको तोड़ने देना। 37,821 के नीचे आपको एक सेल साइड की पोजिशन बनानी है, आपका टारगेट होगा 37,384 का लेवल, और इसके नीचे क्या बनाएंगे भाई लेवल, ब्रिलियंट काम करा है इसने आज, ब्रिलियंट काम किया है, ब्रिलियंट समझते हैं आप लोग, ब्रिलियंट का मतलब हो गए है ये भाई मेरा, एक बार लेवल बना लेते हैं, एक ये लाइन भी है भाई, देखो मैं डाल तो रहा हूँ, ये लेवल बनता इम्पोर्टेंट है, बाकी अल्लाह मालिक। 37,153 इसके नीचे आपका लेवल आएगा 36,622, बड़ा लेवल रैली देखने को मिल सकती है 36,129, ये लेवल रहेंगे नीचे की तरफ। बाइंग के साइड पे आपको ये जो जोन बना के दी थी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, अभी जो ग्रीन जोन थी ये भी आपकी रेड जोन बन गई है,
ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करने वाली है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर बना के रखना है। अब बोलोगे सर ग्रीन जोन का है, इधर को इसका एक जो मेजर सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा ये वाली लेवल जोन के ऊपर, तो इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे इसको। ठीक है, 37,384 350 का जो लेवल है, ये जो जोन है ग्रीन जोन, इसके ऊपर बाउंस आने के बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने इस पर बहुत बार रिएक्ट किया है पास्ट के अंदर, और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली थी, तो ये इस जोन पर थोड़ा सा सतर्क रहना, यहाँ पर आने पर एक बार बुक करने की कोशिश करना। निफ्टी की अगर बात करें लेवल्स की, तो ये रहा निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी एक लाइन लगाएंगे भाई इधर, ये लगाया ये निफ्टी फिफ्टी, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर आज की इसकी क्लोजिंग हुई है। तो कल आपको 16,855 के नीचे अगर ये मिलता है 16,759 ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, 16,414 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो आपको बाय क्या करना है, 17,000 के ऊपर ही बाय की पोजीशन बनानी है, 17,203 ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, और उसके ऊपर 324 आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो मैं आपको चलती मार्केट के अंदर उसके टारगेट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो ये रहा एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई होप यू लाइक इट, और आज अपने पैसे भी बनाए होंगे लाइव के अंदर ट्रेडिंग में। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो, तो उसका फीडबैक गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जितने ज़्यादा लोग लाइव में आएंगे उतना मेरा भी गाइस इंटरेस्ट ज़्यादा जागेगा, क्योंकि देर आर मोर पीपल इन लाइव राइट नाउ, टुडे वी हैव अराउंड 250 to 300 पीपल, एंड आई वॉन्ट टू रीच टू अ लेवल जब ये 250K to 300K हो जाए, और मजा आएंगे जब मिल बैठेंगे बहुत सारे यार इकट्ठे, हम साथ में मिलकर ट्रेडिंग करेंगे, तो उस तभी पॉसिबल होगा जब आप एक इसको शेयर करें दूसरों के साथ में। ठीक है गाइस, चलिए फिर मुलाकात होगी, हो सका तो डेटा एनालिसिस वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा शाम को, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।